जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस यार ये कुछ हालत आजकल मैंने अपनी थोड़ी सही नहीं बनाई। असल में मैचेस में इतना बिजी होता हूँ कि कुछ और चीज़ों का ख्याल ही नहीं होता। चलें छोड़ें, ये लंबी छोड़ी बात नहीं है। आपको डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पर लेके आता हूँ, जिन पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बिठाया है कि पाकिस्तान आप कितना रन रेट करे तो न्यूजीलैंड से उनका रन रेट ऊपर हो सकता है और पाकिस्तान इजीली नंबर 4 पे आ सकता है और उसके बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो थोड़ी सी पहले नज़र डालते हैं कि इससे पहले आपको बताता चलूं कि 2003 से अब तक साउथ अफ्रीका जो है ना न्यूजीलैंड से कभी नहीं जीता था। 2003 में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेटों से हराया था, फिर आगे 5 विकेटों से हराया था, फिर 49 रन से हराया था 2007, 2011, 2015 में 4 विकेटों से और 2019 में भी 4 विकेटों से न्यूजीलैंड को हराया था जी। इससे पहले साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने हराया था, तो आज फाइनली ये स्ट्रीक भी ख़त्म होगी। चलते हैं जी अपने मेन मुद्दे की तरफ। देखें अब सूरत हाल ये है कि अगर आज न्यूजीलैंड 200 स्कोर से हारता ना तो पाकिस्तान को जस्ट टोटली 80 रन से न्यूजीलैंड को हराना था। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड रन रेट अप हो जाना था और पाकिस्तान ने 4 पोजीशन पर आ जाना था। अब सूरत हाल ये हुई है कि न्यूजीलैंड ने 169 स्कोर कर लिए थे, ठीक है, और तब ऑल आउट हुई। तो अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ, अब पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को 87 रन से हराना पड़ेगा, 87 रन से हराना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान 87 रन से न्यूजीलैंड को डिफीट करता है, शिकस्त देता है, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट अप हो जाएगा और पाकिस्तान नंबर 4 पे आ जाएगा। यानी कि जो 4 नवंबर को बेंगलुरु के अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है, ऑलमोस्ट प्ले ऑफ मैच है। अगर न्यूजीलैंड विन करती है तो भाइयों डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी सेमी के लिए, और अगर न्यूजीलैंड डाउन करती है तो न्यूजीलैंड के पास स्टिल एक और चांस बाकी होगा। क्यों स्टिल एक और चांस बाकी होगा? श्रीलंका के साथ उनको खेलना होगा, और अगर वो श्रीलंका के साथ अप करता है अपना रन रेट तो भाइयों फिर भी एक चांस होगा आपके पास। वो चांस क्या होगा? आपकी गेम होगी इंग्लैंड के साथ, और अगर आपने इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से हरा दिया तो पाकिस्तान सेमी और न्यूजीलैंड गो बैक टू वेलिंगटन। तो बहुत बड़ा चांस है जो अल्लाह पाक की तरफ से सारे पाकिस्तान को मिला है। पूरे पाकिस्तान फैन को, देखने सुनने चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो जी, एक बहुत बड़ा चांस बना है। 4 नवंबर बेंगलुरु, याद रखिएगा 87 रन से आपने न्यूजीलैंड को डिफीट करना है और 4 पोजीशन पे विराजमान होना है और सेमीफाइनल की तरफ अपनी दौड़ और पक्की करनी है। करेक्ट एंड 110% आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यही जरूरत है। हालांकि 87 रन से रहो, 4th नंबर पे आओ और श्रीलंका ने हरा दिया तो आपकी कन्फर्म टिकट है। अगर उसके बाद भी आपका रन रेट इनका ऊपर होता है, आप इंग्लैंड को हराओ, सेमी की टिकट कटाओ, इनको वेलिंगटन भेजो और खुद कोलकाता में जाओ और सेमीफाइनल खेल के, फाइनल में खेल के दमादम मस्त कलंदर। तो मिलते हैं फिर 4 नवंबर को बेंगलोर में, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। सिंपली आपको समझ तो आ गई होगी ना, 87 रन से न्यूजीलैंड को हराओ, 4th नंबर पे आओ।